हाय एवरीवन, कुकु तापू में आप सबका स्वागत है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ गुलाब जामुन की रेसिपी, जो कि हम बिना मावा या फिर खोया के बनाने वाले हैं। आज की रेसिपी में मैं शेयर करने वाली हूँ कैसे आप इसको बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बना सकते हैं, एकदम तो मुंह में घुल जाता है ये। आज की रेसिपी में हम खोया का यूज नहीं करने वाले हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने खोया से नहीं बनाया है इसको। बहुत ही टेस्टी बनता है, ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को एक बार और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसके साथ में बहुत सारे टिप्स शेयर करने वाली हूँ, बीच में इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है ताकि आपका गुलाब जामुन परफेक्ट बने। मैं आपको एक काट के दिखाती हूँ कितना जूसी बना है, देखिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दे, साथ में ऑल ऑप्शन पे भी क्लिक कर दे ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले एक पैन में मैं ले रही हूँ हाफ कप दूध। यहाँ पे आप फुल क्रीम दूध ले सकते हैं, अगर वो ना मिले कोई भी दूध चलेगा यहाँ पे। इसके साथ मैं ले रही हूँ 1/4 कप देसी घी, आप कोई भी घी ले सकते हैं या फिर अनसल्टेड बटर भी ले सकते हैं यहाँ पे। अब हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे दूध को, हल्का सा, इतना गर्म चाहिए कि आप उसको छू सके उंगली से, उससे ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। इसके बाद गैस को बंद कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे घी और दूध को। अब हम इसमें 1 कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक साथ में पूरा ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, मिला लेंगे थोड़ा सा, फिर दोबारा डालेंगे। इस तरह से कम गुठलियाँ बनेंगे इसमें। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि मिल्क पाउडर ही लेना है आपको, डेरी व्हाइटनर नहीं लेना है। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर अमूल का लिया है। देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिल चुकी है। अब हम गैस को ऑन करेंगे और लो फ्लेम में रखेंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखें लगातार आपको चलाना है, बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए छोड़ना नहीं है। बहुत कम टाइम में ये बन जाता है, 5 से 6 मिनट तक आपको लगेगा। बिल्कुल लो पे रखना है और लगातार चलाना है। यहाँ पे बेसिकली हम एक खोया बना रहे हैं जो कि इंस्टेंट है, क्योंकि हमने खोया का यूज नहीं किया है इसमें। देखिए 5 से 6 मिनट हो चुका है लो फ्लेम में पकाते हुए, हमारा जो मिक्सचर है ये पैन को छोड़ने लगा है। अब हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हम गुलाब जामुन बना रहे हैं तो थोड़ा सॉफ्ट मावा चाहिए हमें। इस स्टेज पे हम इसको निकाल के दूसरी प्लेट में रख लेंगे, क्योंकि पैन अभी बहुत गर्म है, इसमें छोड़ेंगे तो नीचे से लग जाएगा और ठंडा होने के बाद ये और थोड़ा गाढ़ा भी हो जाता है। जब तक हमारा मावा ठंडा हो रहा है तब तक हम चाशनी बना लेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 कप शुगर और इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ 2 कप पानी। जितना हम शुगर लेंगे उतना ही पानी लेंगे, क्योंकि गुलाब जामुन में बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए होती है। बहुत गाढ़ी चाशनी हो जाती है तो सोक नहीं करता है अच्छे से, हल्का सा चिपचिपा चाशनी चाहिए हमें। यहाँ पे हम फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और लगातार चलाएंगे तब तक जब तक चीनी अच्छे से घुल जाए। इसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच दूध ऐड कर रही हूँ जिससे कि चीनी साफ़ हो जाएगी। अगर आपकी चीनी साफ़ है तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। दूध डालने के बाद 2-3 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लेंगे। जैसे ही आप उबालेंगे आपको दिखेगा कि ऊपर झाग जैसे दिख रहा है। इसमें क्या होता है कि दूध फट जाता है और दूध के साथ सारी जो गंदगी है वो भी निकल आता है। अब हम एक छेद वाली चम्मच ले लेंगे और इस तरह से इसको निकाल लेंगे। देखिए चाशनी अच्छे से साफ हो चुकी है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देंगे। यहाँ पे मैंने बीज निकाल के कूट के डाला है क्योंकि ये ज़्यादा फ्रेश लगता है, पाउडर से इतना अच्छा स्मेल नहीं आता है। अगर आप चाहें तो 2-3 इलायची को ऐसे ही कूट के डाल सकते हैं ऊपर से। इसके साथ हम डाल देंगे थोड़े से केसर के धागे और 1 टीस्पून में डाल रहे हो रोज वाटर। यहाँ पर रोज वाटर और केसर के धागे डालना ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें। रोज वाटर से बहुत अच्छी खुशबू आती है गुलाब जामुन में और केसर से बहुत अच्छी खुशबू के साथ कलर भी आता है। इसके साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नींबू का रस, ये बहुत ज़रूरी है। हम क्रिस्टलाइजेशन को रोकने के लिए नींबू का रस डालते हैं जिसमें हम गाढ़ी चाशनी बनाते हैं, इसमें उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चाशनी को साफ करता है इसलिए डालना बहुत ज़रूरी है। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद चाशनी को चेक कर लेंगे। थोड़ा सा चाशनी हाथ में इस तरह से लगा के देखेंगे, थोड़ा थोड़ा ऑयली फील होगा, ऐसा लगेगा कि हाथ में तेल लगा हुआ है, इसका मतलब ये परफेक्ट बना है। अब हम गैस को बंद करके चाशनी को साइड में रख देंगे। ये देखिए हमारा खोया अच्छे से ठंडा हो चुका है, इतना ही गाढ़ा चाहिए हमें, थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है ठंडा होने के बाद। अब हम इसमें 4 बड़े चम्मच डाल देंगे मैदा, यहाँ पे आप आटा भी डाल सकते हैं मैदे की जगह पे। 4 बड़े चम्मच में मैदा डाल रहा हूँ, जो घर की जो चाय वाली चम्मच होती है उससे थोड़ी बड़ी चम्मच जो होती है जिसे हम खाना खाते हैं उसी से मैं डाल रही हूँ।
अब हम हाथ को अच्छे से साफ करके हाथ से मिला लेंगे इसको, चम्मच से अच्छे से मिलेगा नहीं, अच्छी तरह से पहले मिला लेंगे। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इस रेसिपी में बेकिंग सोडा मत डालिए, बेकिंग पाउडर ही डालिए, और इससे ज़्यादा मत डालिए, नहीं तो गुलाब जामुन तेल में जाने के बाद फटने लगते हैं। बेकिंग पाउडर को अच्छे से मिला लेंगे और अच्छे से गूँथ लेंगे। अभी देखिए कितना सॉफ्ट लग रहा है डो, अभी आपको लगेगा कि इतना सॉफ्ट है तो इसी से बन जाएगा, लेकिन इसको जब आप रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब आप इसका गोला बनाएंगे, तेल को गर्म करेंगे, तब तक ये थोड़ा और भी हार्ड हो जाता है और इसमें क्रैक्स आने लगते हैं जब आप इसका गोला बनाते हैं। इसलिए मैं इसमें 1 बड़ी चम्मच दूध ऐड कर रही हूँ। ये डिपेंड करता है कि आपका खोया कितना सॉफ्ट था या फिर हार्ड था, इसी हिसाब से आपको दूध लगेगा। यहाँ पर मैंने सॉफ्ट खोया बनाया था तो इसीलिए मैं यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच दूध ऐड कर रही हूँ, और लगेगा तो मैं आपको बताऊंगी आगे। देखिए यहाँ पे चिपचिपा डो बन चुका है, इसी तरह के डो हमें चाहिए। यहाँ पे मैंने 1 बड़ी चम्मच दूध ऐड किया था और ऐड नहीं किया है, अगर आपको और थोड़ा लगे तो आप डाल सकते हैं, मुझे और नहीं चाहिए क्योंकि मैंने सॉफ्ट खोया बनाया था। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे क्योंकि इसको हम गूँथ नहीं सकते। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। घी थोड़ा सा ऊपर से लगाने से क्या होगा कि ये अच्छे से गोला बन जाएगा, चिपकेगा नहीं हाथ में। घी लगाने के बाद अच्छे से मिला लेंगे। आप नोटिस करेंगे कि थोड़ा कम चिपक रहा है और इकट्ठा होने लगा है। इस स्टेज में थोड़ा सा गोला आप ले लीजिए हाथ में और इसको गोला बना लीजिए। देखिए अगर गोला बन रहा है तो इसका मतलब है परफेक्ट बना है, अगर चिपक रहा है तो थोड़ा सा मैदा डालिए, या फिर अगर क्रैक्स आ रहे हैं इसमें, नहीं बन रहे अच्छे से, तो थोड़ा दूध डालिए। अब हम हाथ को अच्छे से साफ कर लेंगे क्योंकि आपने नोटिस किया होगा जब मैंने गोला बनाया था मेरे लेफ्ट हैंड में नहीं चिपका था, राइट हैंड में चिपक रहा था, क्योंकि पहले से डो लगा हुआ था राइट हैंड में। इसलिए अच्छे से साफ कर लेंगे हाथ को, थोड़ा सा घी लगा लेंगे हाथ में और गोला बना लेंगे। आपको जितना बड़ा या छोटा जो साइज का चाहिए उसी हिसाब से आप बना लीजिए। गोला बनाने के टाइम ध्यान रखिए, पहले थोड़ा सा प्रेशर डाल के इसको गोला बनाएंगे, धीरे धीरे प्रेशर को रिलीज करेंगे, एकदम स्मूथ बॉल बना लेंगे इसका। कोई भी क्रैक्स नहीं रहना चाहिए, ऊपर से एकदम चिकना दिखना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी क्रैक्स दिखेगा ऊपर तो वहीं से ही फटने लगता है गुलाब जामुन, जैसे ही तेल में जाता है धीरे धीरे वहीं से फटने लगता है। इसलिए हमें इसी तरह की स्टिकी स्टिकी डो चाहिए और एकदम सॉफ्ट चाहिए और गोला में कोई क्रैक नहीं चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिए। सारी गोला आप बना लीजिए, इसमें आप स्टफिंग भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसके अंदर काजू डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, या फिर केसर को थोड़ा सा चीनी में मिला के थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप पानी डालकर उसको भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई स्टफिंग नहीं डाल रही हूँ। इसी तरह से मैं सारा गोला बना लूँगी और इसको हम ढक के रख देंगे और तेल को गर्म करने के लिए रख देंगे। यहाँ पे हम गैस को लो टू मीडियम पे रखेंगे और तेल हल्का सा गर्म होना चाहिए, तेल थोड़ा ज़्यादा भी लेना चाहिए ताकि अच्छे से सिक जाए चारों तरफ से गुलाब जामुन। कम तेल होगा तो एक साइड से ज़्यादा सिक जाएगा। यहाँ पे एक गोला हम डाल के चेक कर लेंगे कि तेल कितना गर्म है। देखिए हल्का हल्का बबल आ रहा है इसमें, इतना ही गर्म चाहिए हमें। यहाँ पे अगर आपको बबल बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो इसका मतलब है तेल बहुत ज़्यादा गर्म है, अगर बिल्कुल भी बबल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है तेल पूरी तरह से ठंडा है। पूरा ठंडा होगा तेल तो उसमें डालेंगे तो गुलाब जामुन फटने लगता है, और बहुत ज़्यादा गर्म हो तेल तो उसमें डालेंगे तो ऊपर से पक जाता है और अंदर से कच्चा रहता है। इस तरह से थोड़ा सा हाथों से घुमा लीजिए गुलाब जामुन को दोबारा और तेल में डालते जाइए, क्योंकि हम पहले से बना के रख देते हैं किसी प्लेट में तो उसमें नीचे से वो थोड़ा चपटा बन जाता है। और साथ में तेल को इस तरह से थोड़ा सा चम्मच से घुमा लीजिए और गुलाब जामुन को डालिए, क्योंकि जब भी हम गुलाब जामुन डालते हैं तो कभी कभी वो जाके नीचे चिपक जाता है, और दूसरा तो उसको घुमा लेंगे तो अपने आप वो घूमता रहेगा तो चारों तरफ से कलर अच्छे से आएगा, क्योंकि हम एक एक करके डालते जाएँगे तो उसमें वो थोड़ा थोड़ा पक भी जाता है, तो एक साइड से पक जाएगा। अगर बीच बीच में घुमा लेंगे डालने के टाइम तो वो एक तरफ से कलर नहीं आएगा, चारों तरफ से अच्छा कलर आएगा। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें कि गुलाब जामुन को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे गुलाब जामुन पूरी तरह से कच्चा है, थोड़ा सा भी टच हो जाएगा तो वहीं से टूटने लगता है। जैसे ही आधा पक जाएगा इसके बाद आप इसको टच करके घुमा सकते हैं, बस साइड से हल्का सा इस तरह से घुमाते जाइए। अभी जैसे ही आप सारा गुलाब जामुन डाल दें और आधा पक जाए तो उसके बाद आप उसको टच करके बीच में रख के इस तरह से घुमा सकते हैं।
यहाँ पे देखिए मेरा गुलाब जामुन जो है आधा पक चुका है, इसलिए मैं बीच में इस तरह से चम्मच रख के इसको घुमा रही हूँ। जैसे ही आधा पक जाए इस तरह से बीच में चम्मच रखिए और इसको लगातार चलाते रहिए तब तक जब तक कि अच्छे से पक जाए और अच्छा सा कलर आ जाए इसके ऊपर। यहाँ पे आपको लगातार चलाना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है एक मिनट के लिए या फिर आधे मिनट के लिए। इस तरह से चलाएँगे तो आपको गुलाब जामुन को पलटना नहीं पड़ेगा, अपने आप चारों तरफ से एक जैसे कलर आएगा। क्योंकि ये राउंड शेप है तो इसको पलटना थोड़ा मुश्किल होता है, इसी तरह से पकाया जाता है इसलिए गुलाब जामुन को। गुलाब जामुन को बनाते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि आपको डो बनाना है तो थोड़ा स्टिकी डो बनाना है और सॉफ्ट डो बनाना है। और इसके बाद जब आप बॉल बनाते हैं तो उसमें कोई क्रैक्स नहीं रहने चाहिए, अच्छे से बॉल बनाइए। अगर क्रैक्स आ रहा है तो थोड़ा दूध ऐड कर सकते हैं, अगर ज़्यादा चिपक रहा है थोड़ा मैदा डालिए। और तीसरा, आप जब उसको डालते हैं तेल में तो हल्का गर्म होना चाहिए तेल, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और डालने के बाद इस तरह से बीच बीच में घुमाते रहना है, जैसे आधा पक जाए इस तरह से ज़्यादा घुमाना है। और चाशनी के लिए आप क्या करें, बहुत गाढ़ी चाशनी ना करें, अगर गाढ़ी चाशनी होगा तो अच्छे से सोख नहीं करेगा, और बहुत पतली चाशनी होगा तो ऊपर से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा गुलाब जामुन जब आप चाशनी में डाल के उसको छोड़ देंगे, वो अच्छा नहीं लगता है। शुरू से फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखेंगे और देखिए कितना कलर आ चुका है अच्छे से, इतना ही कलर चाहिए। अगर आपको और थोड़ा ज़्यादा कलर चाहिए तो आप पका सकते हैं थोड़ा। यहाँ पे मैं चाशनी को हल्का गर्म करके बोल में डाल रही हूँ, यहाँ पे गर्म करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अच्छे से सोख नहीं करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म ना करें। गुलाब जामुन को इस तरह से निकालेंगे और इसको डालते जाएंगे चाशनी में, इसे हमें प्लेट में रखने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से गर्म हो तो चाशनी में डाल देंगे तो अच्छे से चाशनी को सोख करता है और अच्छे से सॉफ्ट बनता है। अगर आप इसको पहले निकाल के रख देंगे थोड़ी देर और इसके बाद चाशनी में डालेंगे तो अच्छा सॉफ्ट नहीं बनेगा। यहाँ पे हमने जो गुलाब जामुन पहले डाला था उसे पहले निकाल के चाशनी में डालेंगे, क्योंकि वो पहले कलर आ जाता है, जो बाद में डाला था उसे बाद में निकाल के डालेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे अकेले बनाया था सारा गुलाब जामुन, या फिर आप कम क्वांटिटी में बनाते हैं तो एक साथ में डाल सकते हैं सारा, या फिर किसी का हेल्प लेते हैं तो एक साथ में बना के डाल सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको एक साथ में कलर आ जाएगा सारे गुलाब जामुन में। सारे गुलाब जामुन इसमें डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे। देखिए अभी ये धीरे धीरे डूबने लगा है, अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 2 घंटे बाद आप इसको खा सकते हैं, सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए आपको, अच्छे से रस भरा हो, तो उसके लिए आपको 8 से 10 घंटे के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा, इसके बाद वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन 2 घंटे बाद इतना सॉफ्ट हो जाता है कि आप उसको खा सकते हैं। 8 से 10 घंटे हो चुके हैं गुलाब जामुन को रेस्ट करते हुए, अब हम इसको चेक कर लेंगे कैसा बना है। ऊपर से देखिए कितना अच्छा कलर आया है और कितना जूसी और सॉफ्ट दिख रहा है। मैं आपको एक काट के भी दिखाती हूँ। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तब भी आपका बन जाएगा। आज की रेसिपी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें, इससे क्या हुआ कि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए।